मैं वर्षा सिंह ही चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार। कावा गांव के खेतों में लगी आग 50 बीघा तक फैली। आर्थिक तंगी व बीमारी से जूझ रहा मीठालाल। नील गाय का ग्रामीणों की सहायता से करवाया उपचार। नव निर्वाचित सरपंचों ने किया पद भार ग्रहण। पशुओं में अज्ञात बीमारी से पशुपालक परेशान। सड़क सुरक्षा के तहत 30 यातायात नियमों की जानकारी। संगीत में सुंदरकांड का हुआ पाठ। बाबा के वार्षिक मेले में भक्तों ने लिया दर्शन लाभ। साधुल सिंह जी के नाम भजन संध्या गुरुवार को। बाबा रामदेव मंदिर का वार्षिकोत्सव मनाया। अब समाचार विस्तार से। काबा गांव के खेतों में लगी आग 50 बीघा तक फैली। सुरेश गरगोडला की रिपोर्ट के अनुसार आहोर व काम्बा गांव की सरहद पर अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने प्रशासन व फायर ब्रिगेड को सूचना दी। तेज हवा के कारण लगातार आग फैलती जा रही है। लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन व दमकल वाहन मौके पर पहुंचे, लेकिन खेत में मिट्टी ज्यादा होने से दमकल कर्मियों ने मना कर दिया, जिससे दमकल कर्मियों व ग्रामीणों के बीच बहस हो गई। वहीं तहसीलदार द्वारा समझाइश की गई, लेकिन खेत में ज्यादा मिट्टी होने से आग पर काबू करने पहुंची दमकल वाहन रेत में फंस गई। आर्थिक तंगी व बीमारी से जूझ रहा मीठालाल। मोदरान से जगमाल सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार मोदरान गांव के इंदिरा नगर कॉलोनी में आर्थिक तंगी व बीमारी से जूझ रहे मीठालाल सरगरा को सरकारी सहायता नहीं मिल रही है। केंद्र और राज्य सरकारें गरीबों के हित में चाहे जितनी योजनाएं चला रही हो, लेकिन वास्तविक पात्रों को अभी भी इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जसवंतपुरा पंचायत समिति के मोदरान गांव के रहने वाले एक गरीब को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लकवा की बीमारी से जूझ रहे इस शख्स को सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। हालात यह है कि 5 लोगों का परिवार मुफलिसी और गरीबी के चलते तिल तिल कर जीने को मजबूर है। गरीबी में जीवन जी रहे मीठालाल सरगरा पहले मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा कर लेते थे, लेकिन कुछ माह पहले मीठालाल को लकवा की ऐसी बीमारी लगी कि जिसके चलते अब वह बिस्तर से ही नहीं उठ पा रहे और बिस्तर में पड़े पड़े शरीर पर बड़ी बड़ी टांकियां बन गई है। सरकार बीमार लोगों के इलाज के आयुष्मान कार्ड चलाने वाली सरकार सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का बखान करने से भले ही नहीं चूक रही हो, लेकिन गरीब मीठालाल के इलाज के लिए भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उसका बड़ा बेटा जो मानसिक बीमारी से ग्रस्त है और 2 बेटियां व पत्नी भी इनकी सेवा में लगी हुई है, लेकिन सरकारी सुविधा नहीं मिलने के कारण परिवार बीमारी से सामना करने में अब सक्षम नहीं हो रहा है। नील गाय का ग्रामीणों की सहायता से करवाया उपचार। जसवंतपुरा से महेंद्र प्रजापत की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे के निकटवर्ती कलापुरा गांव के गोलुआ में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर के पास मंगलवार को सुबह कुत्तों के झुंड ने एक नील गाय को घायल कर दिया। इस दौरान नील गाय ने अपनी जान बचाने के लिए तालाब के पानी में जाकर जान बचानी पड़ी। जानकारी के अनुसार नीलकंठ महादेव मंदिर के पास तालाब पर एक नील गाय के बच्चे को कुत्तों के झुंड ने घेर कर घायल कर दिया। इस दौरान नील गाय ने अपनी जान बचाने के लिए तालाब के पानी में बीच में जाकर खड़ी हो गई। इस दौरान पास से गुजर रहे प्रभाराम देवासी ने देखा तो नील गाय पानी के अंदर खड़ी थी तथा मुंह से खून निकल रहा था। तभी इसकी सूचना ग्रामीणों को दी गई, जिस पर गोताखोर भीमराज पुरोहित, भरत माली, जोधाराम चौधरी, भरत वाघेला, दिनेश प्रजापत, दिनेश भील आदि मौके पर पहुंचे तथा पानी के बीच से कड़ी मशक्कत के बाद नील गाय को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद इलाज के लिए प्रभाराम देवासी के घर पर ले गया तथा इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग से देवी सिंह धवला, कंपाउंडर अशोक कुमार, गोपाल दुर्जन सिंह ने मौके पर पहुंचकर नील गाय का उपचार शुरू कर दिया। नव निर्वाचित सरपंचों ने किया पद भार ग्रहण। सुरेश गरोडला की रिपोर्ट के अनुसार आहोर पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पंचायत रोडला में नव निर्वाचित सरपंच हुकम सिंह राठौड़ ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बुधवार को वार्ड पंचों के साथ ग्राम विकास अधिकारी दिनेश कुमार चौधरी के मुख्य आतिथ्य एवं पूर्व सरपंच लक्ष्मी गवर के विशिष्ट आतिथ्य में पदभार संभाला। इसी तरह पोसाना सियावट से सदा खान बहलीम की रिपोर्ट के अनुसार सुराणा में मंगलवार को नव निर्वाचित सरपंच जसवंत कंवर राठौड़ ने ग्रामीणों की मौजूदगी में कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के दौरान ग्राम पंचायत सरपंच समेत कोरम के वार्ड पंचों ने स्वच्छता की शपथ ली। बैठक में ग्राम विकास के बारे में प्रस्ताव लिए गए,
वहीं विशाला में सरपंच सुखी देवी भील को ग्राम विकास अधिकारी इंद्रपाल सिंह ने शॉल ओढ़ाकर एवं माला पहनाकर सरपंच पद की मोहर देकर कार्यभार सौंपा। इस मौके पर ग्राम पंचायत स्टाफ एवं ग्रामीण मौजूद थे। खबरों का सिलसिला यही जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। सिंगर बरसिया राजपुरे सोमता, किसी भी तरह के सॉन्ग, मारवाड़ी विवाह गीत, फागण गीत, कानूड़ा गीत, गरबा गीत हो या देसी भजन, सभी प्रकार के सॉन्ग के लिए संपर्क करें और साथ ही सभी प्रकार की एक्टिंग करवाने के लिए भी संपर्क करें। सिंगर एवं एक्टर बरसिया राजपुरे सोमता, मोबाइल नंबर 9680864697, 9601908973। हमारे YouTube चैनल पूजा राजस्थानी को देखें एवं लाइक एवं सब्सक्राइब करें। एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। पशुओं में अज्ञात बीमारी से पशुपालक परेशान। सुरेश गरोड़ला की रिपोर्ट के अनुसार आहोर क्षेत्र के सुराणा गांव में पिछले 3 दिन से पशुधन में बीमारी छाई हुई है, जिसमें पशुधन बेसहारा बन गया है। गांव में अधिकांश घर के पशुधन नहीं तो कोई चारा खा रहे हैं और नहीं कोई सूखा चारा खा रहा है, जिसमें यह पशु चल भी नहीं पा रहे हैं। विशेषकर भैंसों में यह बीमारी फैली हुई है। पशुधन के मालिक मेडिकल की दुकान से दवाई व घरेलू देसी इलाज करने पर भी कोई तरह से पीछे नहीं हट रहे हैं, तो भी बीमारी का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। पशुधन के मालिकों का कहना है कि खुरफा बीमारी की तरफ है, जिसमें लोग जाड़ा आदि दिलाकर अपने पशुधन से बीमारी को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीणों ने इस समस्या को जिला स्तरीय अधिकारियों को पशुओं से संबंधित बीमारी की जानकारी दी, जिस पर सूचना पर पशु चिकित्सकों की टीम पहुंची और उक्त बीमारी के लक्षणों की जानकारी ली। सड़क सुरक्षा के तहत दी यातायात नियमों की जानकारी। जसवंतपुरा से महेंद्र प्रजापत की रिपोर्ट के अनुसार 31वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत मंगलवार को पुलिस टीम ने सुंदा माता तिराहे पर वाहनों की जांच कर यातायात नियमों की जानकारी दी। इस दौरान पुलिस टीम ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत वाहनों को रोक कर हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट का उपयोग करने के लिए वाहन चालकों को समझाइश की। तत्पश्चात वाहनों के रिफ्लेक्टर लगाए गए एवं पुलिस ने युवा पीढ़ी से वाहन की गति कम रखते हुए सुरक्षित सफर का सुझाव दिया। इसी प्रकार राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार रामसिंह सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत मंगलवार को पुलिस टीम ने सिकवाड़ा चौराहे पर वाहनों की जांच कर यातायात नियमों की जानकारी दी। इस मौके पर पुलिस ने युवा पीढ़ी से वाहन की गति कम रखते हुए सुरक्षित सफर का सुझाव दिया। संगीत में सुंदरकांड का हुआ पाठ। राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार 4 फरवरी को न्यू कॉलोनी स्थित विक्रम भाई गोस्वामी के निवास स्थान पर संगीत में सुंदरकांड का पाठ किया गया, जिसमें दिनेश भाई नागर, पुरुषोत्तम सोनी, सोमेश भाई, प्रकाश भाई प्रजापत, दलपत सिंह गाजी एवं कई सदस्य उपस्थित थे। विगत कई वर्षों से अनवरत रूप से सुंदरकांड का पाठ चालू है और इसमें आने वाले चढ़ावे की राशि को गौशाला में भेंट की जाती है। बाबा के वार्षिक मेले में भक्तों ने लिया दर्शन लाभ। सांतू से चंपालाल राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार गायत्री आश्रम सांतू में रामदेव बाबा का मेले का एकादशी को आयोजन हुआ, जिसमें दूर दूर से भक्तों ने भाग लेकर बाबा के दर्शन का लाभ उठाया। गायत्री आश्रम के पीड़ाधीश
ब्रह्माचारी ब्रह्मासारी महाराज के सानिध्य में पूर्ण हुई। रात्रि जागरण में भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं बाबा के मंदिर प्रांगण में आयोजित मेले का दर्शकों ने दर्शन कर आनंद उठाया। साधु सिंह जी के नाम भजन संध्या गुरुवार को। मोद्रान से जगमाल सिंह राजपूत की रिपोर्ट के अनुसार साधु सिंह जी सेवा समिति के तत्वावधान में 6 फरवरी गुरुवार को शाम 7 बजे से गांव के मुख्य मार्ग पर स्थित साधु सिंह जी के मंदिर पर एक शाम दाता के नाम भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। सैतान सिंह राठौर द्वारा मंदिर मरम्मत महिमा भजन संध्या व महाप्रसादी का आयोजन करवाया जा रहा है। भजन संध्या में सुप्रसिद्ध गायक व संगीतकार अपने भजनों की प्रस्तुति देंगे, जिसको लेकर मंदिर पर मनमोहक श्रृंगार भोग अलौकिक ज्योति के दर्शन फूलों और इत्रों की वर्षा आदि एवं भोजन प्रसादी का आयोजन किया जाएगा। बाबा रामदेव मंदिर का वार्षिक उत्सव मनाया। विजयवाड़ा से पर्वत शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय वन टाउन स्थित पुजारी बारी स्ट्रीट स्थित बाबा रामदेव मंदिर में बाबा रामदेव सेवा मंडल विजयवाड़ा के तत्वावधान में प्राण प्रतिष्ठा प्रथम वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य सानिध्य निर्मल नाथ महाराज का विजयवाड़ा आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात हवन के लाभार्थी परिवार द्वारा 3 फरवरी को हवन कार्यक्रम व बाबा रामदेव सेवा मंडल द्वारा आयोजित रात्रि में रामदेव भजन मंडली विजयवाड़ा द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर निर्मल नाथ महाराज द्वारा विशेष पूजा अर्चना की गई और बाबा को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया। वहीं लाभार्थी केसर सिंह देवड़ा द्वारा ध्वजारोहण कर विभिन्न चढ़ावों के लाभार्थियों द्वारा अपने परिवारजनों के साथ विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं मां प्रसादी में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज जालौर शहर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालौर।